गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप सभी आप फाइन होंगे, अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और घर पे सेफ होंगे। लास्ट वाली क्लास के अंदर हमने एसिड कंप्लीट किया था। 10th की लास्ट वाली क्लास में हमने कंप्लीट एसिड हो गया था। रिएक्शन के साथ में व्हाट हैपन वाले प्रोसेस भी हमने पढ़े थे, टाइप्स ऑफ एसिड भी हमने पढ़ा था, एसिड के कंसंट्रेशन के बारे में भी हमने बात की। और कुछ बच्चों ने एनटीएससी, कुछ बच्चों ने नोटबुक चेक नहीं करवाई, तो बच्चे नोटबुक भी अपनी कंप्लीट चेक करवाए, कुछ ही बच्चे ने चेक करवाई तो अपनी नोटबुक कंप्लीट करवा लें। आज जो मैं बात करूंगा वो नेक्स्ट जो टॉपिक हमारे पास में है वो आज हम बात करेंगे। और जिन बच्चों ने पीछे वाली वीडियो नहीं देखी है एसिड बेस की, वो जरूर देखें, अपना होमवर्क कंप्लीट करें, नोटबुक हम चेक करेंगे। आज जो हम बात करेंगे, जो नया टॉपिक अपने पास में है वो है बेस। सर बेस क्या होते हैं? ठीक है, तो हमने एसिड की भी कुछ प्रॉपर्टियां जो है वो अलग अलग टर्म के आधार पर हमने मेजरमेंट करी थी कि एसिड क्या होते हैं एक्चुअल में, वो कैसे कंफर्मेशन करते हैं एसिड का कि ये जो मीडियम है, ये जो सॉल्यूशन है, ये जो सब्सटेंस जो होता है वो एसिडिक नेचर का होता है, ये कैसे कंफर्म किया। तो उसके लिए हमने बहुत सारे इंडिकेटर के रेस्पेक्ट में भी काम किया, कुछ रिएक्शन के बारे में हमने बात की। ऐसे ही हम किसकी बात करेंगे, आज हम बात करेंगे बेस की। तो एक्चुअल में बेस क्या होते हैं वो हम कुछ पॉइंटों के थ्रू मैं आपको इंडिकेट करता हूँ, लाइक एक करैक्टरिस्टिक्स के आधार पर हम क्या करते हैं आपको बताते हैं कि बेस होते क्या है। मतलब जो बेस जो सब्सटेंस होता है ना, बेस जो होते हैं मतलब एज ए मीडियम, एज ए मीडियम फॉर्म में है, तो उस बेस का जो टेस्ट होता है वो टेस्ट होता है बिटर टेस्ट। कैसा टेस्ट होता है? बिटर टेस्ट मतलब कड़वा स्वाद होता है बेस का। दूसरी बात, वो सर बेस वो होते हैं अगर उनके अंदर रेड लिटमस पेपर अगर मैं डाल दूं, रेड लिटमस पेपर अगर डालता हूं तो रेड चेंज अगर हो जाता है ब्लू लिटमस में, तो इससे ये भी कंफर्म हो रहा है कि जो मीडियम आपने लिया है वो भी कैसा है, बेसिक नेचर का। बेस वो होते हैं, बेस का कहने का मतलब अगला टर्म का सर बेस होते क्या है, वो सर बेस वो होते हैं जब बेस को आप डिजोल्व करते हैं इन एक्वस सॉल्यूशन में, किसमें? एक्वस सॉल्यूशन का मतलब समझिए ना, वाटर में अगर बेस को डिजोल्व करते हैं तो वो क्या देते हैं, वो गिव ओएच नेगेटिव आयन, जो क्या देते हैं ओएच नेगेटिव आयन देते हैं, वो भी क्या होते हैं, बेस होते हैं। फिर हमने इसके अलावा और क्या बताया हमने कि सर बेस क्या होते हैं, बोल बेस जो होते हैं ना उनका जो टच वाला फील है, बोल बेस जो मैक्सिमम जो बेस होते हैं उनके अंदर सोफी टच फील होता है। ठीक है, सोफी टच मतलब साबुन की तरह लगता है, जैसे साबुन बेसिक नेचर होता तो चिकनापन आता है ना साबुन के अंदर, उस बिहाव पर हमने डिसाइड किया कि बेस जो होते हैं वो सोफी टच वाले होते हैं। और नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एसिड और बेस के आधार पर, जब एसिड बेस को पानी में अगर आप डिजोल्व करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में तो क्या देते हैं, OH नेगेटिव आयन, मतलब आयन निकलते हैं, और जहां पर कंपोनेंट में आयन प्रेजेंस होता है वहां पर इलेक्ट्रिकल बेसिक सब्सटेंस के अंदर इन एक्वस सॉल्यूशन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी क्या होती है सर, प्रेजेंट होती है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होती है इनके अंदर, प्रेजेंट होती है। देखो बेस की कुछ पॉइंट हमने बात करी, बेस क्या होते हैं, बेस जो होते हैं ऐसा मीडियम होता है जिनका टेस्ट कैसा होता है, बिटर टेस्ट होता है। बेस जो होते हैं वो लिटमस, रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देते हैं। बेस को अगर पानी में डिजोल्व कर दिया जाए तो क्या देते हैं, OH नेगेटिव आयन देते हैं बेस। बेस जो होता है उनका टच कैसा होगा, होता है सोफी टच होता है। और बेस जो होते हैं उनके अंदर फ्री आयन होने की वजह से ड्यूरिंग द डिसोसिएशन इन एक्वस सॉल्यूशन उनमें इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी क्या होती है, बेस के अंदर प्रेजेंस होती है। आई होप स्टूडेंट आपको ये चीजें यहां तक समझ में आ गई होंगी। फिर हमने क्या किया, टाइप्स ऑफ बेस के बारे में बात किया करेंगे। अब हम किसके बारे में बात करेंगे, बेस की टाइप्स के बारे में। हम उन टाइप्स के बारे में बात नहीं करेंगे, एसिड और बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस वाले की बात नहीं कर रहा, मैं यहां टाइप्स ऑफ बेस की बात करूंगा किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू सोल्युबिलिटी के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो सोल्युबिलिटी के रेस्पेक्ट में कैसे, और किसकी सोल्युबिलिटी रेस्पेक्ट में, वाटर की सोल्युबिलिटी के रेस्पेक्ट में। वो सर टाइप्स ऑफ बेस, बेस बोला सर सोल्युबिलिटी वाटर के अंदर सोल्युबिलिटी के आधार पर बेस को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया हमने। कितनी कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, दो कैटेगरी में बेस को डिवाइड कर दिया। एक जो बेस होते हैं वो वाटर सोल्युबल होते हैं, ठीक है, एक जो बेस होते हैं वो वाटर
स्लाइटली सोल्यूबल, स्लाइटली का मतलब कम घुलते हैं। और एक और बता देता हूं मैं इसी के अंदर, तीसरी जो टाइप अपने पास में यहां पर है वो है अपने पास में एक बेस जो होते हैं वो क्या होते हैं, वाटर इनसोल्युबल होते हैं। कैसे होते हैं, वाटर इनसोल्युबल होते हैं। ठीक है, मैंने बेस को क्लासिफाई कर दिया तीन कैटेगरी में, वाटर सोल्युबल, वाटर स्लाइटली सोल्युबल, मतलब ये कहीं ना कहीं इनकी सोल्युबिलिटी क्या होती है पानी के अंदर ज्यादा, इनकी सोल्युबिलिटी पानी के अंदर क्या होती कम होती है। और ये तीसरी वाली टाइप क्या थी अपने पास में, तो पहला वाटर मोर सोल्युबल, दूसरा वाटर स्लाइटली सोल्युबल, तीसरा वाटर इनसोल्युबल। अब एग्जांपल दे देता हूं वाटर मोर सोल्युबल में, इसमें आते हैं एल्कली बेस। एल्कली बेस मतलब फर्स्ट ग्रुप ऑफ एलिमेंट जो बेस होते हैं, एलिमेंट जो हाइड्रोक्साइड होते हैं वो इसी में आते हैं एल्कली बेस। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं एग्जाम्पल को लेकर के, KOH और NaOH ये क्या होते हैं, वाटर मोर सोल्युबल होते हैं। फिर मैंने दूसरी बात की वाटर स्लाइटली सोल्युबल को लेकर के, ठीक है, वाटर की स्लाइटली, वाटर में कम घुलने वाले बेस, तो वाटर में कम घुलने वाले बेस ये हमने बात करेंगे एल्केलाइन अर्थ मेटल, एल्केलाइन मेटल अर्थ मेटल बेस जो होते हैं, मतलब सेकेंड ग्रुप वाले, समझ गए हम किसकी बात कर ले, सेकेंड ग्रुप वाले की हम बात कर लेते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो क्या क्या आएगा, बोल सर मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड है, सर कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड है, ये पानी में क्या होते हैं सर, स्लाइटली सोल्युबल होते हैं, कम घुलते हैं। और खास बात और बता देता हूं कि अगर यहां पर टेम्परेचर अगर आप यहां अप्लाई इंक्रीज कर दोगे तो इन एल्कली वालों की जो सोल्युबिलिटी जो है टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ इनकी सोल्युबिलिटी क्या हो जाती है, घट जाती है। जितना टेम्परेचर अप होगा सोल्युबिलिटी जो होती इनकी उतनी ही कम होती चली जाएगी। नॉर्मल कंडीशन में पानी में सोल्युबल है, कम सोल्युबल है, स्लाइटली सोल्युबल है, पर अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो यहां पर इनका सोल्युबिलिटी जो होता है वो एल्कली वालों का क्या, एल्केलाइन वालों का कम हो जाता है, और एल्कली जो होते हैं वो मोर सोल्युबल होते हैं पानी के अंदर। और अब है वाटर इनसोल्युबल को लेकर के अगर हम बात करें तो वाटर इनसोल्युबल में हम जो एग्जांपल दे देते हैं वो क्या, अपने पास में डी ब्लॉक का एलिमेंट है कॉपर का हाइड्रोक्साइड CuOH का होल टूएस, ये जो होते हैं ये वाटर क्या होते हैं सर, इन सोल्युबल होते हैं। कॉपर वाले जो होते हैं हाइड्रोक्साइड जो होते हैं वो वाटर क्या होते हैं सर, इनसोल्युबल होते हैं, मतलब इनकी सोल्युबिलिटी पानी के अंदर क्या होती है, कम होती है, पानी में लेस सोल्युबल होते हैं। कौन, कॉपर के हाइड्रोक्साइड, मतलब जो बेसिक कंपोनेंट होते हैं। तो मैंने सोल्युबिलिटी के आधार पर बेस को तीन कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, एक वो होते हैं जो पानी में मोर सोल्युबल, एक वो होते हैं जो पानी में लेस सोल्युबल, एक वो जो घुलते ही नहीं है। जो घुलते हैं पानी में वो एल्कली वाले होते हैं, पहले ग्रुप के एलिमेंट होते हैं। जो कम घुलते हैं वो एल्केलाइन होते हैं, जो सेकेंड ग्रुप वाले होते हैं। जो घुलते नहीं है उनमें हम ट्रांजिशन एलिमेंट जो डी ब्लॉक वाले जो मेटल है कॉपर वगैरह उनके बारे में हम बात कर सकते हैं। तो ये इनकी सोल्युबिलिटी भी क्या होती है पानी के अंदर, कम होती है। तो आई होप यहां तक चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो ये है बेसिक का जनरल इंट्रोडक्शन, बेसिक की प्रॉपर्टीज को लेकर के हमने बात कर लिया। अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ बेस को साथ साथ समझता हूँ, टाइप्स ऑफ बेस किसके आधार पर, बोल नेचर के आधार पर। तो आई होप यहां तक चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, फिर भी डाउट है तो आप पूछिएगा मेरे से, ठीक है। देखो अब हम बात कर लेते हैं यहां पर टाइप्स ऑफ बेस विद रेस्पेक्ट टू नेचर। ठीक है, टाइप्स ऑफ बेस विद रेस्पेक्ट टू नेचर, विद रेस्पेक्ट टू नेचर। ठीक है, नेचर के रेस्पेक्ट में बेस की दो टाइप होती हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, एक होते हैं वीक बेस। एक स्ट्रॉन्ग, एक क्या होते हैं, वीक बेस होते हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं, बोल स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं, बोल ऐसे बेस होते हैं जिनको इन एक्वस सॉल्यूशन में क्या हो जाता है, कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाता है। क्या हो जाता है, जिनका कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाता है किसके अंदर, इन एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। तो जो पानी में घुलने पर कंप्लीट टूट जाते हैं वो कैसे कहलाते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो KOH और NaOH,
अगर इनका अगर हम एक्वस सॉल्यूशन में अगर डिजोल्व कर देंगे ना आप इनको, तो इनका डिसोसिएशन कंप्लीट होता है 100%, ये की पॉजिटिव OH का नेगेटिव, ठीक है ये बात की। और वीक बेस क्या होते हैं, बोले ये वो बेस होते हैं इन एक्वस सॉल्यूशन इनका क्या होता है, इनकम्प्लीट डिसोसिएशन होता है, मतलब 100% डिसोसिएशन इनका नहीं होता है, कंप्लीट डिसोसिएशन इनका नहीं होता है। जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, फॉर एग्जांपल अगर हम बात कर लें, तो इसमें फॉर एग्जांपल पहला मैं ले लेता हूं अमोनियम का हाइड्रोक्साइड, समझ गए, अमोनियम के हाइड्रोक्साइड को अगर आप एक्वस सॉल्यूशन में डालोगे तो घुल तो जाएगा, जल तो जाएगा, टूट भी जाएगा, पर इसका डिसोसिएशन कंप्लीट नहीं होता है। मतलब ये जो रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब क्या कह रहा है कि इनकम्प्लीट प्रोडक्शन, मतलब यहां पर प्रोडक्शन जो होता है वो 100% नहीं होता है। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई। स्ट्रॉन्ग बेस वो होते हैं जिनका डिसोसिएशन इन एक्वस सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाता है वो स्ट्रॉन्ग बेस, जिनका नहीं होता है वो क्या कहलाते हैं, वीक बेस कहलाते हैं। मतलब वो प्रोसेस जो होते हैं वो रिवर्सिबल टाइप के, ये प्रोसेस कैसा होता है, इरिवर्सिबल टाइप का। तो आपको नेचर के आधार पर भी बेस का कंफर्म हो गया होगा। यहां तक किसी बच्चे को अगर कहीं भी दिक्कत अगर आती है तो आप पूछिएगा जरूर मेरे से, ठीक है, थैंक यू। अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, हमारे पास में इसी बेस का लेकर के है, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेस के बारे में हम बात करते हैं। देखिएगा, समझाता हूं, एक एक करके चीजें समझने का, ठीक है। देखो हम बात कर लेते हैं, हम नेक्स्ट हमारे पास में है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस के बारे में हम बात कर लेते हैं। क्या क्या होती हैं केमिकल प्रॉपर्टी बेस की, क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टियां होती हैं। पहला पॉइंट सर, व्हाट हैपन रिएक्शन ऑफ बेस विद मेटल्स, पहला टाइप है रिएक्शन विद, ठीक है, रिएक्शन ऑफ बेस विद मेटल, रिएक्शन ऑफ बेस विद मेटल्स, ठीक है। अगर बेसिक मीडियम की रिएक्शन मेटल के साथ में करवा दी जाए तो क्या होगा, कुछ नहीं होने का, समझाता हूं। अगर ये बेस है, यहां पर मेटल है, मेटल के साथ में रिएक्शन करवाएंगे तो साल्ट बनेगा और साथ में निकलेगी H2 गैस, मतलब हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। कैसे करते हैं समझाता हूं, एग्जांपल से समझिएगा एक एक करके। ये NaOH है, बेसिक मीडियम है, क्या डालता हूं, जिंक डालता हूं, ठीक है, क्या बनेगा, बस Na2ZnO, क्या बनेगा Na2ZnO2 एक्वस, प्लस में बना अपने पास में H2 गैस, समझ गए, क्या बना सोडियम जिंकेट, बन गया साल्ट। एक और समझिएगा एल्यूमिनियम का, 2NaOH प्लस में एल्यूमिनियम, क्या डाल दिया हमने, मेटल डाला एल्यूमिनियम, कैसे रिएक्शन करके, और साथ में डालना है हमने वाटर मॉलिक्यूल 2H2, ठीक है, क्या होगी रिएक्शन, बेसिक विद मेटल और एंड वाटर के साथ में, तो ये बनेगा सोडियम एल्यूमिनेट 2NaAlO2, ठीक है, प्लस में क्या बाहर निकलेगा, वो सब 3H2, 3H2 गैस क्या हो जाएगी बाहर, और बन जाएगा सोडियम एल्यूमिनेट। तो ये वो रिएक्शन थी जहां पर बेस की रिएक्शन आप मेटल के साथ में करवाते हैं तो क्या बनता है, साल्ट और हाइड्रोजन गैस निकलती है, समझ गए मेरी बात को। तो ये चीजें यहां तक हमने क्लियर करी है, पहला टाइप। अब बात कर रहा हूं मैं दूसरे टाइप की, दूसरा क्या है, रिएक्शन विद बेस विद, बेस विद नॉन मेटल ऑक्साइड, समझ गए, किसके साथ में, बेस की रिएक्शन करवानी है नॉन मेटल ऑक्साइड। अब आप अच्छे से जानते हैं कि नॉन मेटल जो ऑक्साइड होते हैं उनका नेचर होता है एसिडिक, समझे, कैसा नेचर होता है एसिडिक, जैसे कार्बन का ऑक्साइड है एसिडिक नेचर है,
सल्फर का ऑक्साइड है, एसिडिक नेचर है, समझे? ऐसे तो नॉर्मली के जो ऑक्साइड होते हैं वो कैसे नेचर के होते हैं? एसिडिक होते हैं। और रिएक्शन करवाने किसके साथ में है? बेस के साथ में। तो कॉमन सी बात है, जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा? साल्ट तो बनेगा। साल्ट का मतलब यहां पर होने वाला प्रोसेस क्या हो जाएगा? न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा, मतलब एक तरीके से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वैरी कर जाएगी, क्योंकि इसकी नेचर एसिडिक, इसकी नेचर कैसी है? बेसिक है। तो एसिड और बेस जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है? सर साल्ट बनता है, और इसी होने वाले, और शायद वाटर भी निकल जाए कंपोनेंट के अंदर। हाँ, तो साल्ट के साथ में क्या निकल सकता है? यहाँ पर वाटर भी निकल सकता है। तो अगर इस टाइप के होने वाले प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलेंगे। उसका मैं एग्जाम्पल आपको करके दिखाता हूँ। एग्जाम्पल देखिएगा आप, देखो एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल है टू एन ए ओ एच प्लस में CO2, टू एन ए ओ एच प्लस में CO2 क्या बन गया? Na2CO3 प्लस में H2 बन गया साल्ट विद वाटर। ये एसिड था और ये था बेस। क्लियर हो गया? और देखो कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड प्लस में CO2 गैस डालेंगे हम, क्या बनेगा? कैल्शियम का कार्बोनेट प्लस में वही H2O का वाटर बना रही, नहीं बना रही? तो ये भी क्या बना? साल्ट विद वाटर। मतलब बेस और एसिड दोनों जब रिएक्ट करते हैं तो साल्ट विद वाटर का बनना प्रोसेस क्या कहलाता है? न्यूट्रलाइजेशन कहलाता है। तो चीजें यहां तक क्लियर हो गई होंगी आई होप। जो ये बात की हमने यहां पर, कब? जब मेटल मेटल के ऑक्साइड की रिएक्शन आप करवाते हैं किसके साथ में? बेसिक मीडियम के साथ में। ठीक है, चीजें यहां पर तक क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट रिएक्शन है, डायरेक्ट यही रिएक्शन पढ़ लेते हैं कुछ अलग एग्जाम्पल के साथ में। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती क्या है उसके बारे में बात करता हूं मैं। तो आई होप आपको एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे, सेकेंड वाली कैटेगरी के भी समझ में आ गए होंगे और फर्स्ट वाली के भी आगे होंगे। ये आपको याद करने हैं। समझ गए? समझे मेरी बात को? चलो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। देखो प्लीज बी सीरियस, पढ़े, टाइम पास ना करें, किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। विदाउट दैट एजुकेशन जीरो का स्वभाव। सिंसियरली काम करेगा, ठीक है? सिंसियरली, ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड टाइप अपने पास में है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में हम बात करते हैं कि व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्या होती है। तो कौन सी बात है न्यूट्रलाइजेशन की खास बात क्या? कि जब एक एसिड मीडियम की रिएक्शन बेस के साथ में करवाते हैं ना, तो क्या बनता है? साल्ट विद वाटर बनता है। और इसके इस होने वाले प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इस होने वाले प्रोसेस को क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है? एसिड और बेस का आपस में रिएक्ट करना और क्या बनाना? साल्ट विद वाटर का बनाना, द प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। जैसे मैं एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो ये अपने पास में एसिड है, ये अपने पास में बेस है, जब इनको ऐड करते हैं तो क्या बनता है? साल्ट बनता है। और क्या बाहर निकल जाता है? सर H2O। समझ गए? तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन, जहां पर साल्ट और वाटर का बनना, ठीक है, क्या कहलाएगा? रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाएंगे, ठीक है। और देखो 2HCl ये एसिड अपने पास में है, कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड आप डाल के देख लो, ठीक है, ठीक है, क्या बनेगा? CaCl2 साल्ट बन गया है और वाटर फिर बाहर हो गया अपने पास में 2H2। तो साल्ट विद वाटर का बनना क्या कहलाता है? न्यूट्रलाइजेशन कहलाता है। और ये चीजों के लिए जनरल कंडीशन क्या दे रखी है न्यूट्रलाइजेशन की? कि जब एसिड का एच पॉजिटिव आयन और बेस का OH नेगेटिव आयन, तो आप अच्छे जानते हैं एसिड वो होते हैं जो इन एक्वस सॉल्यूशन एच पॉजिटिव आयन देते हैं, वो एसिड और OH देते हैं, वो बेस कहलाते हैं। ये बात मैंने नहीं, एक साइंटिस्ट था आरेनियस कॉन्सेप्ट, उसमें कहा था कि एसिड वो होते हैं जो एच देते हैं इन एक्वस सॉल्यूशन, एसिड कहलाते हैं जो OH देते हैं वो बेस कहलाते हैं। तो एसिड का एच पॉजिटिव आयन और बेसिक का OH नेगेटिव आयन जब आपस में एक दूसरे के साथ में रिएक्ट करता है तो क्या बना लेता है? वाटर। और इस एसिड और इस बेस के इस एडिशन प्रोडक्ट्स प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं?
न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं, क्योंकि वहां पर वाटर जो बनता है वो कैसा मीडियम वेरी करता है, न्यूट्रल मीडियम वेरी करता है। समझ गए मेरी बात को, समझे। वाटर को हम एम्फोटेरिक कैटेगरी में भी रखते हैं क्योंकि वाटर के अंदर एसिड भी प्रेजेंस होता है और बेस भी प्रेजेंस होता है। तो एसिड और बेस का मिलना ही क्या कहलाता है, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस कहलाता है। तो आई होप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आपको यहां तक क्लियर हो गई होगी। फिर भी कोई डाउट है पूछिएगा जरूर मेरे से, समझ गए मेरी बात को। नेक्स्ट हम बात करते हैं, फोर्थ जो टाइप है रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल ऑक्साइड। अब मेटल के ऑक्साइड की रिएक्शन करवा दूं मैं एसिड के साथ में, समझिएगा, ठीक है। तो आई होप न्यूट्रलाइजेशन आपको समझ में आती होगी एसिड और बेस के साथ में। अब मैं बात करता हूं रिएक्शन एसिड के साथ में बेस मेटल के ऑक्साइड के साथ में, ठीक है। तो देखते हैं एक एक करके एग्जांपल, उसकी भी देख लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई कुछ खास नहीं है, देखते हैं। देखो यार अगला है रिएक्शन विद एसिड, रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल ऑक्साइड, एसिड विद मेटल ऑक्साइड, रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल ऑक्साइड। समझिएगा, समझाता हूं कैसे होता है। अब आप जानते हो कि मेटल जो ऑक्साइड होता है उनका जो नेचर होता है, उनका नेचर होता है कैसा सर, बेसिक नेचर होता है। मेटल के जो भी ऑक्साइड हम यूज करेंगे, चाहे वो सोडियम का ऑक्साइड हो, चाहे वो मैग्नीशियम का ऑक्साइड हो, समझो, चाहे वो पोटेशियम का ऑक्साइड हो, चाहे वो कैल्शियम का, इन सबका नेचर कैसा है, बेसिक नेचर है। और रिएक्ट करवानी किसके साथ में, एसिड के साथ में। तो एसिड और बेस जब आपस में रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, साल्ट विद वाटर तो बनेगा। और साल्ट विद वाटर का बनना, इस पूरे फिनोमिना को हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोल देंगे हम। क्या बोल देंगे इसको, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सीधी सी बात है कि भाई एसिड का मीडियम अपने पास में है, बेसिक का ऑक्साइड अपने पास में, दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा अपने पास में, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वेरी कर जाएगा, ठीक है। अब मैं कुछ एग्जाम्पल दिखा देता हूँ आपको, देखना। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें एग्जाम्पल के रूप में, एग्जाम्पल है कि अपने पास में HCl है, दो ऑक्साइड मैं ले लूं कैल्शियम का, ठीक है, ये एसिड, ये बेसिक ऑक्साइड, क्या बनेगा CaCl2 प्लस में वाटर, क्या बना साल्ट, क्या बना वाटर, हो गया न्यूट्रलाइजेशन। समझ में आ रहा है कुछ बात, समझ में आ रहा है ना यहां तक। नेक्स्ट देखो अपने पास में क्या है, H2SO4 जिंक ऑक्साइड, बेस एसिड है, रिएक्ट करो जिंक सल्फेट प्लस में H2O, ठीक है, बना कि नहीं बना साल्ट और वाटर। तो आई होप चीजें आपको यहां तक क्लियर हो गई होंगी, एसिड और बेस का टर्म किस तरीके से हम करते हैं, क्या चीजें यहां पर वेरी करते हैं, उसके बारे में हमने सारी यहां पर बातें करी हैं, ठीक है। तो यहां तक किसी बच्चों का डाउट है ना तो सोचेगा जरूर, समझेगा जरूर मेरे से, समझे। किसी भी बच्चे को कैसा भी अगर डाउट है तो मेरे से पूछिएगा आप, प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे, ठीक है। यहां तक कोई बात है तो बताओ। अब मैं जो नेक्स्ट जो लास्ट टॉपिक इसका अपने पास में है वो एसिड और बेस का डायल्यूशन करने का तरीका क्या है, उसको मैं और समझा देता हूँ आप, ठीक है। तो ये चीजें हो गई होगी क्लियर आपको, देखो नेक्स्ट नेक्स्ट अपने पास में है टॉपिक है डायल्यूशन ऑफ एसिड और बेस, ठीक है। देखो एक तरफ यहां है कंसंट्रेट एसिड लिख दिया मैंने, यहां पर लिख दिया मैंने कंसंट्रेट बेस, ठीक है। कंसंट्रेट एसिड क्या होते हैं, जहां नंबर ऑफ फ्री आयन इन पर यूनिट वॉल्यूम क्या होते हैं, अगर एक्सेस में अगर होते हैं ना तो वो सॉल्यूशन कैसा है, कंसंट्रेट है। अगर नंबर ऑफ फ्री आयन अगर ज्यादा है पर यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से, किसके आयन, एसिड के आयन, ठीक है। वही चीज यहां पर है, नंबर ऑफ फ्री आयन किसके, बेसिक के, किसके अंदर, बोल इन पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है।
वॉल्यूम किसका है, ये एक मीडियम का है, किसी मीडियम का है। तो पर यूनिट वॉल्यूम इन मीडियम अगर एक्सेस में अगर है तो भी सोल्यूशन कैसा है, कंसंट्रेट है। अब क्या करना है कि अब मुझे इस कंसंट्रेट सॉल्यूशन को चेंज करना है, चेंज टू किसके अंदर, डाइल्यूट सॉल्यूशन में, ठीक है। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन में इसको चेंज करेंगे तो उस दौरान क्या कहता है कि सर अगर मैं कंसंट्रेट सॉल्यूशन के अंदर अगर मैं ऐड कर दूं या मिक्सिंग कर दूं किसकी, वाटर की, ठीक है। तो कंसंट्रेट सॉल्यूशन में क्या ऐड कर दूं मैं, अगर वाटर अगर मैं ऐड कर दूं तो वहां पर वाटर के एडिशन से नंबर ऑफ फ्री आयन इन पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर फ्री आयन पर यूनिट वॉल्यूम कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, घट जाएगी। वो घटेगी तो कॉमन सी बात है, वहां पर डाइल्यूशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और वही चीज अगर मैं यहां पर बात करूं कि कंसंट्रेट को अगर आपको चेंज करना है किसके अंदर, चेंज टू डाइल्यूट सॉल्यूशन में, तो कॉमन सी बात है यहां भी नंबर ऑफ फ्री आयंस किसके, बेस के क्या होंगे, नंबर ऑफ फ्री आयन किसमें, जो पर यूनिट वॉल्यूम है, पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो क्या करने पड़ेंगे आपको, घटाने पड़ेंगे। और ये घटेंगे कब, जब आप एडिशन करेंगे या मिक्सिंग करेंगे किसकी, इस यूनिट वॉल्यूम मीडियम के अंदर किसकी रे, वाटर की ऐड करेंगे। तो वाटर जैसे ऐड होगा कॉमन सी बात है कंसंट्रेशन का क्रम घट जाएगा, ठीक है, डाइल्यूशन का टर्म बढ़ जाएगा। रीजन ये है कि उस नंबर ऑफ आयन जो है वो पर यूनिट वॉल्यूम अब क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि आपने डाइल्यूशन बढ़ा दिया, पानी के ऐड होने से वॉल्यूम क्वांटिटी बढ़ गया है। मैंने कहा ना मानो दोनों के अंदर 20 आयन 100 ml में थे तो मीडियम कंसंट्रेट था, अगर इसमें बाहर से मैं 100 ml अगर वाटर ऐड कर देता हूं कॉमन सी बात है, तो ये यही 20 आयन किस में प्रेजेंट हो गया, 200 में, तो 200 ml के अंदर 20 आयन की कंसंट्रेशन कम है या इसमें, तो कंसंट्रेशन कम, यहां कम है और यहां कंसंट्रेशन क्या है ज्यादा, तो ये कंसंट्रेट है और ये कैसा हो गया, डाइल्यूट वाला हो गया। तो आई होप आपको चीजें यहां तक क्लियर हो गई होंगी, ध्यान रखना इस चीज का। और एक चीज और जो आपको थोड़ी सी याद है हमेशा जो रखनी है अपने पास में, कि जब एसिड और बेस का डाइल्यूशन करवाया जाता है ना, जब ये डाइल्यूशन करवाया जाता है एसिड और बेस का, तो ये सारे के सारे प्रोसेस कैसे होते हैं, एक्सोथर्मिक होते हैं, मतलब यहां पर हीट रिलीज होती है। ये प्रोसेस भी कैसा होता है, एक्सोथर्मिक होता है, समझे मेरी बात को, कैसा होता है, एक्सोथर्मिक होता है कंपोनेंट के अंदर। और ये चीज ध्यान रखना कि आप जो है वाटर को ऐड नहीं करना एसिड बेस में, आप कभी ऐसे एसिड बेस ले लो उसमें वाटर डाल दो, नहीं, वाटर के अंदर आपको क्या ऐड करना है, एसिड और बेस का एडिशन करना है। उल्टा कर दोगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, ध्यान रखना इसके अंदर, ठीक है। अदरवाइज अगर आपने उल्टा कर दिया तो सारा का सारा सौदा क्या हो जाएगा, बाहर निकल के आ जाएगा, ध्यान रखना है इस चीज का, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि वाटर इज एडेड टू ए कंसंट्रेट एसिड और बेस, ए लोट ऑफ हीट जनरेट विच मे कोज स्प्लैश, समझे, अगर वाटर अगर आपने एसिड बेस में ऐड कर दिया तो वहां पर सारा का सारा मेटेरियल लार्ज अमाउंट हीट रिलीज करता है और सारा का सारा क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, स्प्लैश आउट हो जाएगा और आपको जल सकते हो आप। तो आप क्या करेंगे, उल्टा करेंगे, पानी के अंदर वाटर के अंदर क्या ऐड करेंगे आप, एसिड और बेस करेंगे ताकि होने वाला प्रोसेस नॉर्मल कंडीशन में हो सके। एक्सोथर्मिक वहां भी होगा पर वहां पर स्प्लैश आउट होने की, मीडियम के स्प्लैश होने की कंडीशन जो होती है, स्प्लैश मतलब बाहर निकलने की कंडीशन जो होती है वो कम हो जाती है। तो ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। तो स्प्लैशिंग नहीं हो पाएगा, तो ध्यान रखना कभी भी क्या नहीं करना, एसिड बेस के अंदर क्या नहीं डालना है, वाटर नहीं डालना है। वाटर में एसिड बेस डालोगे तो प्रोसेस और कंसंट्रेशन का जो टर्म है वो प्रॉपर तरीके से क्या करेगा, वर्क करेगा, वैरी करेगा, ठीक है। तो ये था प्रोसेस किसका, डाइल्यूशन ऑफ एसिड बेस का। मैंने क्या कहा कि कंसंट्रेट एसिड और बेस वो होते हैं जिनमें नंबर ऑफ आयन पर यूनिट वॉल्यूम ज्यादा होता है, वो कंसंट्रेट एसिड, वही बेस का है। डाइल्यूशन में चेंज करना, पानी ऐड कर दो, पानी ऐड करेंगे तो पर यूनिट वॉल्यूम की रेस्पेक्ट में जो आयन की कंसंट्रेशन है ना वो घट जाएगी, और कंसंट्रेशन घटने का मतलब डाइल्यूशन का बढ़ना, वही करवाया मैंने दोनों में। और होने वाले दोनों जो प्रोसेस होते हैं ना कैसे होते हैं, एक्सोथर्मिक होते हैं, ध्यान रखना इस चीज के अंदर।
ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना अपने अपने को, मतलब अब मैं आप यहाँ सोच रहे होंगे सर आपने तो भी बना किया कि वाटर को ऐड नहीं करना कंसंट्रेट सॉल्यूशन में। अरे भाई मतलब इस मीडियम को, मतलब मैं इन दोनों को एडिशन करवा रहा हूँ, मतलब इस मीडियम को आप इसमें ऐड कर दो। ये 100 ml था, समझे मेरी बात, 100 ml का के अंदर 20 नंबर ऑफ आयन थे, तो इसको क्यों ना आप इसमें ऐड कर दो, इसको इस 100 ml वाटर में ऐड कर दो। समझे मेरी बात को, समझ गए मेरी बात को। तो कभी मैं सोचना कि सर आपने तो बोला कुछ है और समझा कुछ दिया, तो ध्यान रखना इस चीज का, मतलब ये जो सॉल्यूशन है वो उठा करके किसमें ऐड करना है, वाटर में ऐड करना है, ध्यान रखना है इस चीज के अंदर। समझ गए मेरी बात को, तो वाटर में ऐड करेंगे, धीरे धीरे ऐड करेंगे ताकि चीजें जो है वह एक्सप्लोसिव नेचर का टर्म वेरी ना करे, धीरे धीरे से मिक्स हो जाए। तो आपको ये किसमें ऐड करना है, समझे मेरी बात को, वो तो मैंने लैंग्वेज टर्म तो आया करना, फिर डाइल्यूशन कब करना है कंसंट्रेट का, जब उसमें एडिशन होगा वाटर का। फ्रैक्चुअल में वाटर में एडिशन किसका करवाना है, कंसंट्रेट सॉल्यूशन करवाना, ताकि वहां पर जो यूनिट आयन जो है अपने पास में उनका कंसंट्रेशन लेवल पर यूनिट वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए, तो कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तरीका वही है बताया मैंने। तो आई होप आपको यहाँ पर बेस वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ में पढ़ेंगे, स्ट्रेंथ इंडिकेटर पीएच वगैरह के बारे में बात करेंगे, कुछ साल्ट्स पढ़ेंगे। यहां तक किसी भी बच्चे को अगर कोई भी डाउट है तो समझिएगा, ध्यान से वीडियो को सुनिएगा, नोट डाउन करिएगा, नोटबुक बनाइएगा, कॉपी चेक करवाइएगा, होमवर्क कंप्लीट करिएगा, और फिर भी किसी बच्चे को डाउट है तो बताइएगा जरूर। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। टेक केयर, बाय बाय, सी यू।